क्वेश्चन नंबर 9 है, पाई चार्ट बनाना है। इसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट और एरियाज दिए गए हैं, ठीक है। पाई चार्ट बेटा जब भी बनाना है उसके लिए हमें सेक्टर एंगल चाहिए होता है, तो ये जो एरियाज की वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लेंगे सेक्टर के वो निकालने के लिए। इनको ऐड करेंगे तो ऐड मतलब जमा करना, तो ये आ जाएगा 465, ठीक है। तो एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि हर वैल्यू को उसके टोटल से डिवाइड करेंगे और टोटल सेक्टर यानी जो सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना, बिल्कुल उसी तरह ही हमने इसको भी कर लेना है, ठीक है। मतलब पहली वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय टोटल है 465 और टोटल एंगल होता है 360। इस तरह 115 डिवाइड बाय 465 मल्टीप्लाई 360, ऊपर डिग्री लगाना है तो लगा लें, ये एंगल का साइन होता है। ऐसी तीसरी है 135 और 465 मल्टीप्लाई 360। लास्ट है 165 और 465 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अब कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 360 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाय 465, तो ये 38.7 आ गई, ठीक है। ऐसी बाकी कर लेंगे तो ये आ जाएगी 89, ये 104.5 और ये 127.8। परसेंटेज निकालने तो छोड़ दें, परसेंटेज ऑफ एरिया निकालनी कैसी है, सेम यही वैल्यू 50 ओवर 465 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह 115 ओवर 465 मल्टीप्लाई 100, 135 ओवर 465 मल्टीप्लाई 100, 165 ओवर 465 मल्टीप्लाई 100। तो 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे डिवाइड बाय 465, तो 10.75, ठीक है। राउंड करेंगे तो 10.8 आ जाएगा, 10.8%, 24.7%, 29%, 35.5%, ठीक है जी। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लेंगे। पहली लाइन हमने हुक ड्रा करनी होती है, आगे जो होता है फिर वो हमने जो एंगल आए होते हैं वही देखने होते हैं। अब पहला है तकरीबन 39, राउंड करेंगे तो यहाँ से रखेंगे और 39 का एंगल बना लेंगे, ये तकरीबन 40 से एक पीछे छोटी लाइन का आती है 39, तो ये आ गया 39। उसके बाद 89 है, अब इस लाइन पे रखेंगे, ठीक है, 89, तो ये 90 से एक पीछे 89। उसके बाद 104.5 यानी 105 हो जाएगा, ये जो इसका क्रॉस होता है ना ये डॉट के ऊपर आना चाहिए और जो लाइन है वो लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। 105, ठीक है, 105, ये 110, ये छोटी लाइन क्या होती है 5 के लिए होती है, ठीक है।
लास्ट वाली जो वैल्यू है, जब चूँकि टोटल चार वैल्यू थी, लास्ट वाली छोड़ देंगे वो खुद ही बन जाएगी 127.8। ठीक है, लास्ट वाली जो होती है वो हमने छोड़ देनी होती है, क्योंकि वो अब एंगल लिख लें या परसेंटेज लिख लें, बात एक ही है। जब छोटी क्लास में आप ये सवाल करते हैं तब हमने एंगल लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ परसेंटेज ही हम लिख देंगे। ठीक है, अब पहला जो था वो लाहौर के लिए था और वो था 10.8%, दूसरा शायद मुल्तान है तो ये 24.7% है, लास्ट वाला रावलपिंडी 104.5, अच्छा 29%, और ये था 35.5% डीजी खान। ठीक है, ये आ गया हमारा पाई चार्ट, पाई चार्ट। अब कलरिंग करनी है तो कर लें। ठीक हो गया जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 3.2 का, जिसमें हमने पाई चार्ट बनाना है। पहले सेक्टर एंगल बनाना है, किस तरह बनाना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, पहली वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360 जो एंगल होता है सर्कल का, ऐसे सारे निकाल लेने हैं और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करते जाना है और फिर उनको ड्रा कर लेना है। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, समझ आई नहीं आई वगैरह वगैरह। ठीक है।